Hey guys, welcome back to another video and Eid Mubarak to everyone. आज है ईद और दिल से आप सबको ईदी मतलब ईद का शुभकामनाएं. तो आज हम वैसे कुछ नहीं कर रहे, घर पे ही है. मतलब आप लोगों ने कल का व्लॉग देख लिया है तो उसमें बस एक डिश का मतलब वीडियो हुआ था. अभी आज कोशिश होगा कि बाकी डिश जो होने वाला है उसका कुछ वीडियो आप लोगों के लिए मैं बनाने वाला हूँ. तो अभी हो रहा है सुबह के 10:27, मतलब 10:30 हो रहा है. तो अभी हम थोड़ा फोटोशूट कर रहे थे और वाह क्या यार, कुछ भी. तो भाई अभी इंस्टाग्राम में जाओ, जाके मेरा जो फोटोज है वो देखो. मतलब आज हम लोगों ने बहुत सारे फोटो क्लिक किए हैं, बाहर नहीं गए थे, घर पे ही हैं. तो सोच रहा हूँ कि 4 बजे मैं बाहर जाऊँगा. अभी पता नहीं मम्मी जाने देगी या नहीं, लेकिन कोशिश रहेगा कि अभी थोड़ा बाहर जाने का. भाई ईद है, बाहर नहीं जाऊँगा तो कहाँ, कब जाऊँगा भाई. मतलब ऐसे तो बोर हो रहा हूँ घर पे बैठ के. आप लोग जानते हो कि अभी कोविड की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हम लोग. तो ड्यू टू इधर थोड़ा कम केसेस है तो हम सोचे कि क्यों ना आज शाम को एक मोटर राइड का वीडियो बनाया जाए. तो हम निकलेंगे 4 बजे, कहाँ जाएंगे वो अभी प्लान नहीं हुआ है और ज़्यादा लोग नहीं जाएंगे, हम 2-3 दोस्त मिलके जाएंगे. जाके थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद वापस घर आ जाएंगे. तो बस आज का यही छोटा मोटा प्लान है. तो अभी वीडियो में क्या क्या होने वाला है वो आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी देर बाद जब हम लोग बाहर निकलेंगे. तो ईद मुबारक टू ऑल माई फैमिलीज ओवर देयर. आप लोग मेरे जो वर्चुअल फैमिली हो, आप लोगों को दिल से ईद मुबारक, ठीक है, और स्टे सेफ. तो चलो मिलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर बाद, ठीक है. सो गाइज, नाउ इट्स 1:00 और अभी हम लंच सेट कर रहे हैं. तो चलिए चलते हैं लंच के टेबल में. सो गाइज, अभी हम आ चुके हैं अपने टेबल पे, डाइनिंग टेबल पे, और बस सब कुछ रेडी है. आप लोगों को दिखाते हैं और आज का जो स्पेशल डिशेस है वो सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा मतलब नाम बोलने में परेशानी होगा. सो माई सिस्टर विल हेल्प स्टार्टिंग फ्रॉम दिस. स्टार्ट करो तुम बोलना. ओके. ओके. और ये है हलवा. सेमोई का हलवा ये है. और ये पुलाव. दैट इज पुलाव. ओके. और क्या है? दिस इज हलीम. अच्छा, ये हलीम है. ये मटन. और ये है आज का डिजर्ट. राइट. कुनाफा. और ये मटन कोरमा, ये कबाब और ये रायता. तो गाइस, आज का जो मेनू है वो बहुत ही मतलब ज्यादा बड़ा है और देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहा है. अभी खाने का जो रिव्यू है वो अभी देता हूँ क्योंकि लास्ट वाला जो व्लॉग किया था उसमें रिव्यू नहीं दे पाया था ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी. तो आज का मतलब टेस्ट अभी हम बताएंगे, ठीक है. तो अभी मैं ये शिफ्ट करूँगा अपने दीदी को क्योंकि खाते वक्त मैं इसको पकड़ नहीं पाऊँगा. तो थम्स अप और स्टार्ट करते खाना, ठीक है. चलो तो स्टार्ट करते पुलाव से, टेस्ट करते, ठीक है गाइस. टेस्ट सच में कैमरे के लिए नहीं, और पहली बार मैं सच बोल रहा हूँ कैमरा की वजह से, नहीं तो मैं अनुमान दीदी का डिशेस में एक ना एक कमी निकलता रहता हूँ. माँ ने बनाया ये. सच्चा? तूने नहीं बनाया लेकिन टेस्टी हुआ सच में. कल मैंने थोड़ा वो क्या बनाया था कल, सिर्फ पुलाव था. अरे पुलाव रह गए, रुको मैं लाती हूँ. जर्दा पुलाव खाया था कल तो वो भी बहुत टेस्टी था. मैं लाती हूँ. हाँ तू ला दे. ये रहा जर्दा पुलाव, वो मिस हो गया था. वो भी बहुत टेस्टी था, कल मैंने सिर्फ वो ही खाया था. आज भी खाएंगे. Thank you.
सो गाइस, पेट मेरा पूरा भर चुका है और लास्ट में खाने वाला हूँ कुनाफा, क्योंकि सेवई में नहीं खाऊंगा और शीरखुरमा भी नहीं खाऊंगा, बिकॉज सुबह से मैंने इतना मीठा खाया है और खाने का मतलब हालत नहीं है, और लास्ट में वो टेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि वो मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मुंह में जाते ही ना, मतलब एक इसका जो स्वाद है, आई कांट एक्सप्लेन, सॉरी। पापा कैसा है? सुपर सुपर। चलो एक ए प्लस। मैं सोच रहा हूँ एक होटल खोलूँ और इन दोनों को, मम्मी को और मेरी दीदी को शेफ रखूँ। क्या सब प्लान है? सही है। सो हेलो गाइज, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू ऑल। और अभी गुड इवनिंग, सॉरी। तो गाइज, अभी आज का जो प्लान था हम लोगों का, सिंगूर जाने का था, लेकिन अभी हम क्या हो गया कि मम्मी ने मना कर दिया जाने से, बोला कि अभी कोविड के केसेस के लिए बोला कि बाहर मत निकलो। मतलब देखो, आज ईद है और सब लोग निकलेंगे, ठीक है, मतलब मैक्सिमम लोग निकलेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दुनिया तबाह हो जाए, मैक्सिमम लोग घूमने निकलेंगे। लेकिन उसी में प्रॉब्लम है एक्चुअली, मतलब वो लोग तो निकलेंगे, वो लोग इधर उधर घूमेंगे, हम लोगों का मोटिव था कि यहाँ से जाएंगे, मोटर व्लॉग करेंगे और वापस आएंगे, फिर एक आप लोगों के लिए शॉर्ट वीडियो भी बन जाएगा। तो मेरे साथ दीप्तजीत भी आया था, ये देखो दीप्त पीछे है। हम दोनों ने प्लान किया था जाने का, लेकिन हम लोगों ने लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर दिया, और अभी हम बस अपने ये तारकेश्वर का जो गेट है उसी के पास ही है, मतलब यहाँ से मेरा घर हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर होगा, तो इसीलिए हम लोग अभी इधर बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड किया और सोचा कि वीडियो का, आज का जो वीडियो है वो अभी यहाँ पे क्लोज कर दे। तो गाइज, अगर ये वीडियो या फिर ये व्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जाने से पहले मेक श्योर टू लाइक माई दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी पता नहीं कब व्लॉग आएगा क्योंकि अभी तो मतलब लॉकडाउन, मैक्सिमम लॉकडाउन पड़ने वाला है भाई, पूरा इंडिया में मैक्सिमम जगह पे लॉकडाउन हो चुका है, अभी इधर वेस्ट बंगाल में उतना नहीं है, लेकिन होने में कितना देर है भाई। तो देखते क्या व्लॉग आएगा नेक्स्ट, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, और रात में लाइव स्ट्रीम होगा तो लाइव स्ट्रीमिंग ज्वाइन करना ज़रूर से, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।